नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम गुणनखंड पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आज गुणनखंड लगभग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम इंग्लिश चालू करेंगे, जिसमें केवल ग्रामर का टॉपिक क्लियर किया जाएगा, थ्योरी हमारी नहीं चलेगी। उसके बाद साइंस हम लेकर आएंगे, यानी कि आपको तीनों सब्जेक्ट यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो चलिए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव एक गुणनखंड है। किसका गुणनखंड है? एक्स प्लस फाइव का है, तब ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि पिछले देखिए हम क्वेश्चन में देखते थे कि हमको गुणनखंड निकालना पड़ता था, यहाँ पर चय मानना पड़ता था, ठीक। लेकिन यहाँ पर इसमें गुणनखंड उसका दिया होगा, या चाहे देखिए ये क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि यदि पी एक्स इक्वल टू इतना और एक्स प्लस फाइव से पूर्णतः विभाजित है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू दे देगी जो हमको ज्ञात करनी पड़ेगी, और एक उसका गुणनखंड दे दिया होगा, ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को किस तरह हम सॉल्व करेंगे, देखिए। यानी कि एक्स प्लस फाइव यानी कि इसका गुणनखंड है, तो इसका मतलब ये हुआ कि मतलब हमारा इसमें अगर हम एक्स का मान रखें तो हमारा शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो चलिए देख लेते हैं। तो पहले हम लिख लेंगे एक्स क्यू प्लस फोर एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस फाइव, गुणनखंड है, यानी कि इसके इक्वल 0 हम लिख सकते हैं आराम से, ठीक। तो एक्स गुणनखंड क्या है? एक्स प्लस फाइव गुणनखंड है इसका, यानी कि इसको 0 कर देंगे तो यहाँ एक्स बराबर हमारा -5 निकल कर आ जाएगा, ठीक। अब इस -5 का मान हमारा इस समीकरण में हम रख देंगे। तो चलिए रख देते हैं, कितना आ जाएगा हमारा? -5 का क्यूब प्लस 4 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस ए इंटू -5 प्लस 5, ठीक। ये अलग है हमारा, तो सॉल्व कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ देखिए घात यहाँ पर ध्यान में रखेंगे आप, यानी कि हमारा -125 प्लस हमारा देखिए 5 5 25 25 चौका 100 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर -5a + 5 = 0। उसके बाद देख लीजिए यहाँ पर इसमें अगर 125 में से 100 माइनस करेंगे तो माइनस हमारा 25 बचेगा, -25 -5a और प्लस 5 = 0। और यहाँ पर देखिए 20 बचेगा और उधर ले जाएंगे या -20 उधर जाएगा तो +20 हो जाएगा, यानी कि -5a = 20, और एक इक्वल कितना हो जाएगा हमारा? 4 5 20 हो जाएगा, तो ए इक्वल -4, ठीक। देखिए यहाँ पर हमारा इक्वल -4 आ गया, यानी जो हमारा नेक्स्ट समीकरण, यानी कि जो हम यानी कि जो ए की जगह पर अगर -4 रख दें, यहाँ जो ए है अगर -4 रख दें तो यह गुणनखंड मतलब एक्स प्लस फाइव इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए इसमें रख देते हैं एक जगह पर, तो हमारा क्या मिल जाएगा मान? एक्स क्यूब प्लस फोर एक्स स्क्वायर, देखिए एक जगह पर -4 और एक्स प्लस फाइव, यही हमारा जो नेक्स्ट जो समीकरण प्राप्त होगा यही प्राप्त होगा, ठीक। आपका आंसर तो यहीं तक है, क्योंकि आप बस इतना ही पूछा है कि क्या मतलब ए का मान क्या है। लेकिन हम यहाँ पर रख कर अगर चेक करना चाहें तो यहाँ पर इस मान को रख कर चेक कर लेते हैं कि हमारा सही है कि नहीं है। अगर आप चेक करना चाहें तो इन्हें कोई ज़रूरत नहीं है, आपका यहीं तक आंसर सही हो जाएगा बस। यानी कि आप लिख देंगे कि एक कॉल 0, यानी कि एक कॉल -4, एक कॉल -4 अगर रखा जाए तो समीकरण एक्स प्लस फाइव इसका एक मतलब गुणनखंड हो जाएगा। तो चलिए ऐसे एक नेक्स्ट सवाल और देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर दूसरा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के गुणनखंड, मान लीजिए के गुणनखंड, मान लीजिए दो गुणनखंड अगर दे दिया हो, अगर मान लीजिए यहाँ पर एक ही दिया हुआ था, के गुणनखंड एक्स माइनस टू और एक्स माइनस थ्री दोनों गुण हैं, तो ए और बी का मान, ए और बी का मान, देखिए उसमें केवल ए का मान पूछा था और इसमें ए और बी दोनों का पूछ रहा है, क्योंकि यहाँ पर दोनों वैल्यू हमको नहीं पता है। ठीक, तो चलिए, तो पहले हम एक्स का मान इक्वल, एक्स माइनस टू इक्वल जीरो, तो एक्स इक्वल टू रखेंगे, तो एक्स इक्वल टू रखने पर हमारा क्या प्राप्त होगा, देखिए ये हमारा समीकरण है और इसमें अगर दो रखेंगे तो क्या प्राप्त होगा, दो दूनी चार हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, प्लस टू ए प्लस बी, और अगर एक्स माइनस थ्री इक्वल जीरो करते हैं तो एक्स इक्वल थ्री हो जाएगा, और तीन रखने पर इसमें क्या प्राप्त होगा, इस मान लीजिए समीकरण एक बना दीजिए इसको, समीकरण फर्स्ट, तो अगर तीन रखेंगे तो क्या जाएगा, तीन तरीका नौ और कितना हो जाएगा, थ्री ए प्लस थ्री ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस बी ही रहेगा, ठीक, इक्वल जीरो है, दोनों के इक्वल जीरो है, ठीक। तो हम इसको यहीं पर घटा लेंगे, तो देखिए हमारा माइनस करने पर क्या आएगा, हमारा चिन्ह बदल जाएगा यहाँ पर, सभी जानते हैं, तो बी तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमारा इसमें माइनस माइनस ए बचेगा, और यहाँ पर माइनस फाइव बचेगा इक्वल जीरो, ठीक। अब माइनस ए इक्वल कितना हो जाएगा, इधर माइनस से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस, यानी कि इक्वल माइनस फाइव। अब देख लीजिए यहीं पर हमारा एक, अगर ए का मान पता चल गया तो ए का मान समीकरण एक में रख देंगे, या समीकरण इसको दो, इसको मान लीजिए समीकरण दो मान लेते हैं, अगर ए का मान, अगर समीकरण हम किसी भी समीकरण में रखें, चाहे इसमें रखें चाहे इसमें रखें, तो हमारा बी का मान पता चल जाएगा। चलिए ठीक है, देख लीजिए कैसे रखते हैं हम, तो हमारा समीकरण फर्स्ट क्या है, फोर प्लस टू इंटू माइनस, एक जगह माइनस फाइव, दिख नहीं रहा है क्या, अरे यार पूरा नहीं दिख रहा, चलिए ठीक है, यहाँ देख लेते हैं, इक्वल माइनस फाइव रखे हैं हम यहाँ पर, प्लस बी इक्वल जीरो, ठीक। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, फोर माइनस पंदूनी दस प्लस बी इक्वल जीरो, तो यहाँ पर बी इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ देखिए इसमें छः बचेगा, माइनस सिक्स बचेगा, और इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा हमारा, तो बी इक्वल सिक्स। देखिए हमारा ए का भी मान पता चला गया और बी का भी, ठीक, और इसमें हमको ए और बी का ही मान निकालना था, तो इस तरह हम किसी को क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ए तो हो गया, मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन आज तक हम जितना भी गुणनखंड पढ़े हैं, वो मतलब ये गुणनखंड हुआ करता था पहले, अगर मान लीजिए वो गुणनखंड ना हो, या मतलब उसका उसमें अगर कुछ अदर मतलब जोड़ने पर उसका गुणनखंड मिले, तो उस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं हम, जैसे एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस फोर में एक्स माइनस वन से भाग देने पर शेष क्या बचेगा, शेषफल क्या होगा। देखिए हमारा मेन उद्देश्य शेषफल क्या होगा, यानी कि जो हमारा शेषफल अगर जो प्राप्त होगा, अगर वो शेषफल इसमें से हम घटा दें तो हमारा इससे पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि कोई भी संख्या हमारा, देखिए भागफल नहीं पूछा है, शेषफल पूछा है, यानी कि भागफल अगर हमारा पूछता
तो हम पूरा मतलब भाग विधि से इसको सॉल्व करते हैं, जो जैसे भाग करते हैं उस तरह हम सॉल्व करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल शेषफल पूछा है कि शेषफल क्या होगा, या यही क्वेश्चन अगर इस तरह से भी कि मतलब घुमा सकता है कि अगर क्या मतलब घटा दें कि ये मतलब x माइनस वन इसका एक गुणनखंड हो जाए, या इससे मतलब पूर्ण विभाजित हो जाए कि क्या इसमें जोड़ दें या घटा दें, ठीक इस तरह से पूछ सकता है। तो चलिए देख लेते हैं, यानी कि x माइनस वन, तो x माइनस वन इक्वल जीरो हो जाएगा, तो x इक्वल वन हो जाएगा देखिए इसमें, ठीक। तो इस समीकरण को एक्स क्यू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और यहाँ पर माइनस फोर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर वन रखेंगे कितना हो जाएगा, वन प्लस वन प्लस वन, ठीक यही होगा, और माइनस फोर। तो हमारा शेषफल कितना हो जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर माइनस वन आएगा इक्वल माइनस वन आ जाएगा। तो अगर शेषफल पूछा है तो अगर हमारा शेषफल क्या होगा, यानी कि अगर शेषफल अगर देखिए जीरो आता है यहाँ पर, अगर यहाँ पर मान लीजिए माइनस की एक जगह पर अगर जीरो आ जाए, अगर जीरो आ जाए यहाँ पर, तो हमारा क्या पता चला चल गया कि एक्स माइनस वन इसके से मतलब पूरा सब मतलब पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा विभाजित हो जाएगा, ठीक। अगर जीरो आ जाता है तो इसका गुणनखंड हो जाएगा, अगर जीरो भी नहीं भी आता है तो अगर माइनस वन आ गया तो माइनस वन अगर इसमें से हम घटा दें, माइनस वन इसमें मतलब घटा दें, तो हमारा जो जो अगला जो प्राप्त होगा उसमें माइनस वन इसे शेषफल ही और गुणनखंड हो जाएगा आसानी से, ठीक। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हो गया, मान लीजिए ए वैल्यू हमारी दी रहेगी और ये हमारा गुणनखंड नहीं होगा, पर मान लीजिए पूर्ण वर्ग बनाना हो अगर हमें, तो जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हमारा हो गया नाइन एक्स स्क्वायर प्लस 24xy, देख लीजिए पूर्ण वर्ग बनाना है हमें इसको। पूर्ण वर्ग बनाने का मतलब यही हो कि मतलब x प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में ही होगा, और कोई फॉर्म में नहीं हो सकता, इसी फॉर्म में होगा। यानी कि पूर्ण वर्ग बनाना है तो हमारा क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ये लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो चलिए देख लेते हैं, देखिए इसी रूप में होगा और किसी रूप में एक क्वेश्चन नहीं है। अगर पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कह देगा तो इसी रूप में आएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन मतलब कुछ दिया होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए थ्री एक्स स्क्वायर को कितना लिख सकते हैं, तीन एक्स का होल स्क्वायर और प्लस देखिए चौबीस एक्स वाई है, देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और यहाँ पर केवल एक्स है, यानी कि यहाँ पर अगर स्क्वायर रहता तो हम स्क्वायर के फॉर्म में लेते हैं, लेकिन यहाँ पर केवल एक्स है तो यहाँ पर हम दो के फॉर्म लेंगे, जैसा कि यहाँ पर टू ए बी जैसे दिया है तो केवल दो के फॉर्म में लेंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, टू ए बी, यानी कि ए का मान देखिए ए का मान यहाँ निकाल चुके हैं हम थ्री एक्स, ठीक। उसके बाद थ्री एक्स रख देंगे यहाँ पर हम, और वाई का मान कितना आएगा, देखिए तीन दोनों छः, अगर हमको चौबीस लाना है, तीन दोनों छः चौका चौबीस, यानी कि और वाई भी लाना है इसमें, ठीक। तो गुणे फोर वाई हो जाएगा हमारा, और फोर वाई देखिए यहाँ पर फोर वाई क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसमें अगर कंपेयर करें हम इससे तो फोर वाई हमारा बी हो जाएगा यहाँ, जो हमारा फोर वाई है, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, चार चौका सोलह, सोलह वाई स्क्वायर। यानी कि अगर हम यहाँ लिख सकते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछेगा, यही क्वेश्चन है कि मतलब पूछेगा कि मैं क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, अगर इसमें हम सोलह वाई स्क्वायर जोड़ दें, तो यह पूर्ण वर्ग हो जाएगा, ठीक। चलिए इसमें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हमारा गुणनखंड लगभग कंप्लीट हो चुका है। चलिए लास्ट सवाल है हमारा, जैसे मान लीजिए 25 एक्स पे पावर 4
प्लस 44x² y² प्लस 36y⁴ में क्या जोड़ें, में मान लीजिए क्या जोड़ें कि यह पूर्ण वर्ग हो जाए। ठीक, मान लीजिए यही क्वेश्चन है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन पहले लिख लेंगे x⁴ प्लस x² y² प्लस 36y⁴। देख लीजिए इस तरह इसी पे आएगा, इसी पे, और इसके अलावा और कोई मतलब मानक समीकरण नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्ग हमको बनाना है। तो पूर्ण वर्ग यहाँ देख लीजिए कितना हो जाएगा हमारा, 5x² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2 गुड़े इसको पहले हम छोड़, इसको नहीं हम देखेंगे, हमारा जो केवल स्क्वायर है उसको पहले हम लेंगे। देखिए यहाँ पर 36 है तो 6y² हो जाएगा, यानी कि हमारा 5 यहाँ तो है ही, हमारा एक एक जगह 5x है, 5x² है, तो 5x² प्लस इसकी जगह पर क्या हो जाएगा हमारा 6y² और प्लस हमारा यहाँ नीचे लिख देते हैं 6y² का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसकी जगह पर हमारा इतना आ रहा है और तो सेम है ही, तो देख लिए कि कितना हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 30 × 60, 60 हमारा कितना, ये तो हमारा इस कंपेयर कर मान लीजिए 60x² y² आ रहा है। ठीक, और इस क्वेश्चन में केवल कितना दिया है 44x² y² ही दिया है बस। तो अगर इसमें से हम माइनस कर दें 44x² y², तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, वो पता चल जाएगा। ठीक, तो कितना आ जाएगा हमारा, मान लीजिए 6 हो गया यहाँ पर, और इनकी 16x² y² अगर इसमें जोड़ दिया जाए इस वाले में फर्स्ट, ये समीकरण हमारा मेन समीकरण यही है, तो यानी कि समीकरण फर्स्ट इसको मान लीजिए, अगर इसमें अगर 16x² y² जोड़ देंगे तो 44 और 16 मिलकर हमारा कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और जिस जो हमारा पूर्ण वर्ग है इसमें देख लीजिए पूर्ण वर्ग है, तो यानी कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं अगर 16x² y² समीकरण फर्स्ट में जोड़ दिया जाए तो वह पूर्ण वर्ग हो जाएगा। ठीक, तो यहीं पर आपका गुणनखंड समाप्त हुआ, और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नेक्स्ट मतलब पार्ट में लेकर आएंगे, अगला कुछ मैथ का है टॉपिक लेकर आ सकते हैं या फिर इंग्लिश चालू करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि आप उन तक ज़रूर शेयर कर दें जिसको या मतलब पढ़ना हो, या जो हमारा हाई स्कूल से नीचे कोई भी स्टूडेंट हो उसको आसानी से पढ़ सकता है, क्योंकि हम हाई स्कूल तक ही पूरा सिलेबस कवर कर रहे हैं, हाई स्कूल से ज़्यादा नहीं कवर करेंगे हम। जो आपके मान लीजिए अगर आप नहीं पढ़ना चाहते हैं, आपके या छोटे भाई बहन हो कोई भी हो, उन तक यह वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो उन तक ज़रूर पहुँचाएँ। ठीक, चलिए वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।